अब ये जो केस आप देखने वाले हैं इसका तो जवाब नहीं। एक आदमी से कोई कितनी नफरत कर सकता है ये पहली बार देखने को मिला। एक कॉमेडियन को स्टेज पे किसी ने गोली मारी। पहले तो यही नहीं पता चला कि गोली आई कहां से। आपने कभी सुना है गोली के ऊपर सांप का जहर? और अगर गोली पे नहीं था तो फिर लाश के खून में सांप का जहर आया कैसे? और अगर खून में पहले से जहर था तो आदमी पहले क्यों नहीं मर गया? वो तो स्टेज के ऊपर जाके कॉमेडी करने लगा, उसे तो पता ही नहीं चला उसे सांप ने काट लिया है, वो भी हाथ पे। बताइए, आदमी के शरीर में सांप का जहर फैल चुका है और आदमी मरता किससे है? एक गोली से। आप खुद ही देख लीजिए ना। लोग टटोरिया टटोरिया की आवाजें लगा रहे हैं और यह टटोरिया न जाने कहाँ गायब है। अगर 5 मिनट के अंदर यह यहाँ नहीं पहुँचा तो लोग यहाँ आग लगा देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी लफड़ा हुआ, मैं निकल लूंगा पतली गली से। बस मैं जा रहा हूँ पीछे के गेट पे। यह टटोरिया एक बार इससे पहले भी मुझे इसी तरह फंसा चुका है। अरे देख देख, पर्दे खुल गए। सत्यकाल, नमस्कार, वेलकम। आप हमको बुलाते हैं इसीलिए हम चले आते हैं। जग्गू जिंदाबाद, जग्गू जिंदाबाद, जग्गू जिंदाबाद। आपकी जिंदाबाद में ही प्यार छुआ है। आप सब हमारे शो आते हैं इसीलिए तो हम जिंदा है। आप सबके प्यार में जब कितना पिया हुआ है, एकदम टुन है और आज ये हमें मरवा के छोड़ेगा। मैं जग्गू तटोरिया आप सबका तहे दिल से स्वागत बोल रहा हूँ। मेरे साथ पतली गली से निकल ले भाइयों। किस्सा सुनाता, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसकी झगड़ालू एक दिन अचानक लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो घर लौट रहा था तो जोर की अचानक हवा चलने लगी, तूफान भी आया और जब बिजली कड़कने लगी तो पति ऊपर देखकर बोला, लगता है अभी पहुंचे हैं। ये कर क्या रहा है? ए, जग्गू को कुछ हो गया है। चल चल जल्दी चल। एक्सक्यूज मी। आप लोग हटिए प्लीज। आप लोग हटिए, ऊपर मत चढ़िए प्लीज। जग्गू ये जग्गू को क्या हुआ? ओह माय गॉड, खून। ये तो मर चुका है। यार हम लोग भी क्रिकेटर होते ना तो चांदी हो जाती अपनी भी। जिस आदमी की जुबान पे देखो बस उन्हीं का नाम है यार। और जब मैच हारते हैं तो पब्लिक पत्थर भी मारती है घर पे। तब मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, दिल डूबा जा रहा है। फिर बीवी से डांट खा के आया क्या? अरे सर, बीवी के डांटने से दिल में कुछ नहीं होता, सिर्फ पसीने छूट जाते। तो फिर क्या हुआ क्या आज? अरे सर, धोनी ने अपने बाल काट दिए सर। मगर पिछले मैच में तो धोनी ने धो दिया था सबको, फिर अचानक क्या हो गया? आपने कभी सैमसन की स्टोरी सुनी है? सैमसन और डिलाला। हाँ, वो ग्रीक मैथोलॉजी में है, उसके बालों में ताकत थी। सर, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था वो। लंबे लंबे बाल थे उसके। जिस दिन बाल कटे खत्म हो गया सर। हाँ, उसकी सब ताकत चली गई थी, मच्छर बन गया था सर वो। तो सर, धोनी ने अपने बाल काट दिए सर। अरे बाल काट दिए तो क्या हुआ? देखो कितना स्मार्ट लगता है अभी, तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अरे सर लेकिन कोच ने अभी देखो धनाधन एक के ऊपर एक सेंचुरी मारते जाएगा। सेंचुरी तो ठीक है सर, मगर आपको ये क्रिकेट का बुखार। अरे मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ भाई, हम सबको एक ही बुखार है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, या मैं बॉस ऑडिटोरियम से बोल रहा हूँ। यहाँ स्टेज पर एक खून हो गया है। स्टेज पे खून? हाँ सर। अच्छा देखो वहां से किसी को निकलने मत देना जी। कोई भी आदमी वहां से बाहर नहीं जाएगा, समझे? आइए आइए एसीपी साहब, ये देखिए। हमें घर जाने दो, हमने थोड़ी ना जग्गू को मारा है। चुपचाप खड़े रहो यहां पर, कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? कोई बाहर नहीं जाएगा। एसीपी साहब, हाँ। जग्गू का इंतजार करते करते जब पब्लिक गुस्से से आग बबूला हो रही थी, तब अचानक जग्गू न जाने कहां से आ गया। उस वक्त वो बहुत पिए हुए था। लेकिन आपके कहने के मुताबिक तो गोली चली नहीं थी। ये जख्म गोली का ही है सर। हाँ, लेकिन जख्म बहुत छोटी है, लगता है गोली काफी पतली सी थी। गोली की आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? गोली बाहर नहीं निकली है सर, गोली अभी भी शरीर में है। चलिए आप भी नीचे खड़े हो जाइए। बात बताइए जी, जब जग्गू गिरा तब उसका मुंह किस तरफ था? ऑडियंस की तरफ ही था, क्योंकि उस वक्त वो ऑडियंस से ही बात कर रहा था। ऑडियंस जी। तो इसका मतलब है गोली सामने से ही चली है, पीछे से तो नहीं। अभिजीत, दया, काम करो, या जितने सारे लोग हैं उन सबकी अच्छी तरह से तलाशी लो सर, किसे भी मत छोड़ना। फ्रेडरिक्स, विवेक, ऑडिटोरियम का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। चलो चलो, आप सब लोग बाहर जाकर खड़े हो जाइए। चलिए प्लीज। ये देखिए, यहाँ से अंदर जाने के लिए हर शख्स को इस मेटल डिटेक्टर में से होके जाना पड़ता है। अगर उनमें से किसी के पास भी गन होती तो वो यहीं पकड़ा जाता। एक सेकंड, सिक्योरिटी सर चेक करो मुझे। सर आपको? अरे हमें अपनी सिक्योरिटी दिखानी है सीपी साहब को, चेक करो। ओके सर, ठीक है। और सर उसके बाद इसमें से गुजरना पड़ता है। सर ये एक एक्स-रे स्कैनर है, आपका सारा सामान इसमें से गुजरता है और उसके स्कैंड तस्वीरें सामने के टीएफटी स्क्रीन में दिखती हैं। दिखाइए सर। I'll give you a demo. ये ये स्कैन हुआ सर, और सामने ये तस्वीर उसकी। सब कुछ दिखता है इसमें? यस सर, सब कुछ दिखता है। किसी भी तरह की गन अंदर जा ही नहीं सकती एसीपी साहब। तो फिर गोली लगी कैसे जग्गू को? अभिजीत, दया, सबकी तलाशी लो। पर्सेस, पाउचेस, वॉलेट्स, सब स्कैन करो। कुछ नहीं सर। एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। यहाँ खड़े होइए। जी। हाथ ऊपर करिए प्लीज। जी। यहाँ खड़े होइए। इस जेब में क्या है? जी सेलफोन। हाथ ऊपर करिए प्लीज। दिखाओ। जी। और इस जेब में? सर कुछ नहीं। अभिजीत, गन छोटी है, इनके जूते चेक कर रहे हो ना? यस सर। जूते निकालिए प्लीज। ये क्या है? प्लास्टिक का पाइप? ये क्या है? क्या मालूम सर क्या है। अच्छा साहब, इसके जूते में से ये मिला है। ये तो किसी तरह का ट्रिगर लगता है। यस सर, जूते में छुपा के रखा हुआ था। सर मुझे पता भी नहीं सर ये क्या है। तो तुम्हारे जूते में कहां से आया? सर ऑडिटोरियम के सीट के नीचे से ये पाइप मिला है सर। पाइप? सर ये स्प्रिंग भी मिला है। स्प्रिंग? अभिजीत ये स्प्रिंग भी प्लास्टिक की, ये पाइप भी प्लास्टिक का है। सर ये ट्रिगर भी प्लास्टिक का है। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ही चीज के अलग अलग टुकड़े हो? देखिए गन, प्लास्टिक का गन, इसीलिए एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ी। करेक्ट। यो जग्गू को गोली मारने के बाद गन के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। सर मुझे पता भी नहीं मेरे जूते के नीचे कहां से आ गया। सर यकीन कीजिए मैंने खून नहीं किया है। हो सकता है सर ऑडिटोरियम में भागते समय ये ट्रिगर मेरे जूते में फंस गया हो। सर एक काम करते हैं, सबके हाथों पे बेंजामाइन का टेस्ट करते हैं। हाँ। पता चल जाएगा किसके हाथ में बारूद लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मुर्दे से पूछो ये हो कैसे सकता है। मैंने कहा ना मुर्दे से पूछो, मुझसे नहीं। ये मुर्दा झूठ बोल रहा है। ये नहीं हो सकता है, मुर्दे कभी झूठ नहीं बोला करते, मुर्दे हमेशा सच बोलते हैं। आज ऐसा हुआ है डॉक्टर सारुंखे, इस मुर्दे ने झूठ बोला है। मतलब क्या कहा है? देखिए मतलब 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 ये आदमी जहर खाने से मरा है। हाँ डॉक्टर तारे का लाश में खून अभी भी बाकी है, खून पूरी तरह से पानी नहीं हुआ है। आप एक काम कीजिए, 2-3 बूंदे खून की निकाल लीजिए, तब तक मैं बुलेट निकाल के चेक करता हूँ। क्यों डॉक्टर सारुंखे? ये पता लगाने के लिए कि शरीर में जहर गया कैसे। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सारुंखे क्या हुआ? ये देखिए खून में जहर है। क्या? सांप का जहर। सांप का जहर? सर इसके हाथ में तो नहीं है। सर मैंने कहा था ना मैंने कुछ नहीं किया है, अब जा सकता हूँ ना सर? नहीं खड़े हो जाओ, इधर अभी भी बाकी है। हाँ भैया तुमने गोली चलाई है? मैंने आज तक जिंदगी में गन ही नहीं पकड़ी है। सर इसके हाथ में गन पाउडर लगा हुआ है। अगर इसके हाथ पे गन पाउडर है तो गोली इसी ने चलाई है। अजीब जबरदस्ती है यार, मुझे नहीं मालूम ये मेरे हाथ में कैसे लगा। चलो आप जल्दी से सच बता दे। ए जबान संभाल के बात कर जाड़िए। हाँ मैंने जग्गू टटोरिया को गोली मारी, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं भी एक कॉमेडियन हूं, इसने मेरे सारे के सारे आइटम चुरा लिए। मैं भूखा मर रहा था और ये ऐश कर रहा था। अब क्या फायदा, अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे या फिर फांसी होगी। एसीपी साहब आप इससे ये पूछिए कि जग्गू की बॉडी में सांप का जहर आया कहां से? सांप का जहर? जी हाँ सांप का जहर। लेकिन सारुंखे जग्गू तो गोली लगने से मरा है, तो फिर इसके शरीर में जहर ही जहर भरा पड़ा है। यार मजाक मत करो सारुंखे। ये लो सही बात बोलो तो भी मजाक। यार सबके सामने मेरी पैंट मत उतारा। अच्छा ठीक है। मोनित तुमने जो गोली चलाई उसमें जहर लगा हुआ था? नहीं सर। एसीपी साहब ये देखिए, ये देखिए इसकी दोनों आंखें नीली हो गई हैं। लेकिन इसे सांप ने काटा कब होगा? एक बात और, ये निशान देख रहे हैं आप? इसे किसी ने सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया है। अगर इसके शरीर में सांप का जहर था तो फिर ये मरा क्यों नहीं और ये थिएटर तक पहुंचा कैसे? बॉस, ये सांप का जहर तो कुछ नहीं, इसके पेट में जो कुछ था मैंने सभी का टेस्ट किया है और पेट में कुछ और भी मिला है। तुम्हें कैसे मालूम? बस ऐसी। क्या बात है दया, आजकल बड़े होशियार हो गए। अपना तो कुछ ऐसे ही है बॉस। ओ रियली? सारंगी, टाइम पास मत करो। एसीपी साहब, इसके खून में सांप का जहर है और दो किस्म का जहर और। सॉरी सर, पाइप में कुछ और भी फंसा हुआ है। नहीं नहीं, निकालो निकालो जो कुछ भी है। हो जाए एक बार और एक भूचाल, आने दो। हो गया सर। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? दो दो जहर, मतलब कुल मिला के तीन जहर। एग्जैक्टली लेकिन इतना सारा जहर पी क्यों रहा था? ऑब्वियसली किसने पिलाए होंगे, अपने आप तो पिए नहीं होंगे इसने। कमाल है, तीन तीन जहर पीने के बाद भी ये थिएटर तक पहुंचा कैसे? एसीपी साहब, अभी एक धक्का और बाकी है। जब तुम्हारे ड्रामे कब खत्म होंगे? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये घाव, सर पर चोट लगी है, बहुत खून बहा है इसके। ये थिएटर तक पहुंचा, यही एक बड़ा चमत्कार है। सर, ये खुद गाड़ी चलाकर वहां थिएटर तक गया था। इसके जेब में से कार की चाबी भी मिली है। सर, यही है वो कार। दया, जरा डिक्की खोलना। ये क्या? रविवारा पब। रविवारा पब? ये डेट भी देखो, कल की है। तो इसका मतलब है शो में जाने से पहले ये डिस्को में गया था। शो में जाने से पहले डिस्को में? शायद डिस्को में किसी ने इसे जहर खिलाया होगा। रविवारा पब। लगता है वही मैनेजर है। एक्सक्यूज मी। यस सर। इसे पहचानते हो? जग्गू टटोरिया। ये तो वही स्टैंड अप कॉमेडियन है सर, थोड़ा खिसका हुआ है। अच्छा, ये आया था यहाँ पर? यस सर। कब? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता सर, कल दोपहर को 1-2 बजे करीब। हाँ सर, एक लड़की भी साथ थी उसके। कल बहुत नाटक किया था सर उसने। क्या नाटक किया था उस लड़की ने? क्या बताऊं सर, वो दोनों। Hey sweetie, will you dance with me? Sorry. Come on यार, only once. Hey, बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? क्या बोला इसने? Once, please once. लगता ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मैं समझाता हूँ। क्यों परेशान कर रहा है बे? You? हाँ? मुझे हाथ लगाया? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? बताओ क्यों? जग्गू stop it, क्या कर रहे हो तुम? इसको तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हें छेड़ रहा है ये। मैं इस लड़की से बात कर रहा था, तेरे से नहीं। Hey, you shut up! सर प्लीज, क्या हो रहा है यहाँ पे? आज तो बच गया। सर ये ब्रेसलेट वो लड़की का है। तुम्हें कैसे मालूम ये ब्रेसलेट उस लड़की का है? सर कल वो लेने के लिए आई थी। तो फिर तुमने ये ब्रेसलेट उसे दिया क्यों नहीं? सर वापस कैसे करते सर, वो मुझे मिले तब ना, वो मुझे मिले बगैर ही चली गई। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जग्गू टटोरिया ने यहाँ पर क्या खाया था, कुछ याद है तुम्हें? चाइनीज खाया था सर। चिकन? हाँ सर, शायद चिकन मंचूरियन। अच्छा, जो औरत उसके साथ में आई थी उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? ऑफ कोर्स सर। सर, जागू टटोरिया के घर में देखते हैं सर क्या मिलता है हमें वहाँ। विवेक सर, तुम फोटो चेक करो, मैं घर की तलाशी लेता हूँ। ये गर्लफ्रेंड है कि बीवी? गुलजा सिम सिम। सर सर, ओ गॉड, लाश। सर, सर, फ्रेडी सर। नो। ये तो मंगलसूत्र है। तो फिर ये जागू की बीवी है सर। सर, ये देखिए, सुन के देख। अल्कोहल, दारू। बॉस, इन दोनों ग्लासेस में जहर है। दोनों ग्लासेस? जी हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों ग्लासेस में अलग अलग जहर है। मतलब जग्गू टटोरिया की बीवी ने उससे जहर पिलाया? ओह नो मधु, मैं किचन में चिप्स भूल गया हूँ, जरा प्लीज ला दोगे? ओके, जस्ट वेट। और जग्गू टटोरिया ने अपनी बीवी के ग्लास में चुपके से जहर मिला दिया है। फ्रेडरिक्स, रिजल्ट आ गया। पता चल गया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलरी शॉप से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? एक आदमी था सर। नाम बताओ फ्रेडरिक्स। राजीव। राजीव? राजीव, राजीव, ये तो खुला है, दरवाजा खुला है। राजीव, घर में कोई नहीं है? माय गॉड, पहले जग्गू, फिर उसकी वाइफ, और अब ये राजीव। चक्कर क्या है? सारा घर अच्छी तरह से सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। चल। सिर में जख्म है, चोट लगी है, ये क्या है? कांच का टुकड़ा। टेबल के कांच पर खून, तो इसका मतलब है राजू का सिर इसे टकराया होगा। हुआ क्या होगा यहां पर? फ्लश टैंक में हैमर। हाँ दया, हाँ दया, सर ये देखिए सर, फ्लश टैंक के अंदर से ये हैमर मिला है। हैमर फ्लश टैंक के अंदर छुपा के रखा था। दया, तुम याद है जग्गू टटोरिया के सिर पे एक चोट लगी हुई थी? लगता है इसी हैमर से मारा होगा उसे। मुझे लगता है ये जग्गू टटोरिया इस राजीव से मिलने आया होगा, दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हुई होगी। जब जग्गू जाने निकला और राजीव ने पीछे से उसके सिर पे इस हैमर से जोर से मारा होगा। राइट, चोट तो लगी जग्गू को, लेकिन उसी हाथापाई में जग्गू ने राजीव को ऐसे धक्का दिया होगा और लड़खड़ाते हुए राजीव यहाँ इस टेबल के कांच से टकराया, उसे चोट लगी और वो यहाँ गिर के मर गया। तो ये बंगला बेचना चाहता था राजीव सर? सही ड्रॉ में कुछ फोटो मिली है। ये लड़की जानी पहचानी सी लगती है सर। ये लड़की तो वही है शायद जिसका स्केच बनवाया। ये तो वही है सर। ये शायद राजीव की वाइफ होगी। राजीव की वाइफ? अगर ये राजीव की वाइफ है तो फिर वो डिस्को में वहां जग्गू टटोरिया के साथ क्या कर रही थी? और सर इस बंगलो को ढूंढना पड़ेगा। ये राजीव का बंगलो है, ये इसे बेचना चाहता है और अगर ये बंगला मिल गया तो लड़की भी मिल जाएगी। एक काम करो, सब न्यूज़पेपर्स देखो, यहां तक कि इंटरनेट पर भी चेक करो, देखो कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा कि ये बंगला जो बिकने वाला है कहां पर। आजकल बंगले बहुत कम बिकते सर, सब फ्लैट ही फ्लैट है। ए फ्रेडरिक्स, कोई तो एक बंगला होगा जो बिक रहा है। देखो ऐसे मैदान छोड़कर भागने की कोशिश मत करो, ढूंढो जरा ढूंढो। अरे कुछ मिला क्या? सर लगता है ये वही बंगला है। अच्छा और कुछ? देखो राजीव सीमा सर, ये वही है सर। इस बंगले का नाम विशाल बंगलो है और इसके मालिक राजीव और सीमा है। राजीव और सीमा, इसका मतलब है ये बंगला सीमा का ही है। इस बंगले पर चलते हैं, शायद ये सीमा हमें वहीं पर मिल जाए। सर गुड, विवेक सही टाइम पे आ गए। क्या पता चला उस हैमर का? हमारा शक सही निकला सर, उस हथौड़े पर जग्गू का एक खून लगा है सर। जी हाँ, 1 करोड़ 70 लाख। बोलिए आप लोग, इससे आगे की बोली बोलिए। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। 2 1 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़। 2 करोड़ 5 लाख। लगता है वहां गार्डन में कुछ हो रहा है सर। हाँ चलो गार्डन से ही शुरू करते हैं। 2 करोड़ 10 लाख। ये हुई ना बात, 2 करोड़ 10 लाख। लेकिन इस शानदार बंगले की कीमत और ज्यादा होनी चाहिए। और आगे की बोली बोलिए। कोई है? 2 करोड़ 10 लाख। 1 2 करोड़ 10 लाख। 2 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख। लेकिन इतने बड़े बंगले की कीमत सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख। यहाँ तो बोली लग रही है, मगर राजू तो यह बंगला बेचना चाह रहा था, तो फिर ये नीलामी कैसे हो रही है? अभिजीत लगता है ये वही लड़की है, जो बात करो उससे। सर एक्सक्यूज मी, क्या आप रो क्यों रही हैं? जब किसी का बंगला नीलाम हो रहा हो उस वक्त वो रोएगी नहीं तो क्या नाचेगी? देखिए हम लोग CID से हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आप लोग बंगले के अंदर इंतजार कीजिए, मैं भी आती हूँ। काफी खर्चा किया है सर। हाँ बहुत खर्चा किया है। जी बोलिए, आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एक काम के सिलसिले में। हमें पता चला था कि आप अपना बंगला बेच रही हैं, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं तो बाहर बंगले की नीलामी चल रही है। जी हम बैंक का लोन वापस नहीं कर सके, सोचा था बेच देंगे पर उससे पहले वो लोग आ गए। बैंक वाले आजकल किसी की नहीं सुनते। मिस्टर राजीव आपके पति? उसी की वजह से तो हुआ ये सब कुछ, सारा पैसा शराब में उड़ा दिया। आपको मालूम है कहाँ वो? पता नहीं। यहाँ इस घर की नीलामी हो रही है और वो कहीं मस्ती कर रहे होंगे। फोन भी बंद है और मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। सीमा जी, क्या वाकई आपको पता नहीं आपके पति राजीव इस वक्त कहाँ है? नहीं, शायद वो कल से गायब है और आपको कोई चिंता नहीं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, उन्हें कुछ हो गया है। क्या वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या? ओह माय गॉड, राजीव, ये कैसे हुआ? आप जग्गू टटोरिया को जानती हैं? जी हाँ। उसी ने मारा आपके पति को। क्या? लेकिन क्यों? उसे जरूर पूछते हैं, हम पर क्या करें, उसका भी खून हो गया है। ओह माय गॉड, उसका भी खून हो गया? काफी धक्का लगा होगा ना? सच्चे प्यार में ऐसा ही होता है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं तो जग्गू से 1 महीने से मिली भी नहीं हूँ। अच्छा, वो चिकन मंचूरियन चिकन कुछ याद आया? हाँ, मंचूरियन चिकन, जहर। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? चिकन मंचूरियन? आप इसे पहचानती हैं? क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है, ब्रेसलेट है। ये हमें रविवार डिस्को में मिला, जहां कल आप गलती से छोड़ के आई थी। वहीं पर जहां पर तुमने जग्गू टटोरिया के चिकन में जहर मिलाया था और जग्गू ने खाया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। तो फिर किसने मिलाया? एक लड़की ने, उसी ने खाने में जहर मिलाया था। कौन थी वो लड़की? फेड्रिक्स। अब उसे क्यों फंसा रही हो? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे खाने में जहर मिलाते हुए। तुम जानती थी कि जग्गू के चिकन में जहर है, फिर भी तुमने उसे खाने दिया, है? क्योंकि मैं चाहती थी कि जग्गू मर जाए। मैं जानती थी कि उस लड़की ने खाने में जहर क्यों मिलाया, लेकिन जग्गू मरा नहीं। बहुत बेशर्म आदमी, पर मैं भी तैयार थी और हम लोग एक होटल में गए। जग्गू, आज तुमने बहुत पी ली है, चलो शादी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसका क्या होगा? किसका? तुम्हारी बीवी का। बीवी? तुम्हें कैसे पता? आज मैं तुम्हारा ये खेल ही खत्म कर देती हूँ। लेकिन तुम जग्गू को मारना क्यों चाहती थी? वो तो तुमसे शादी करना चाहता था ना? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। वो पहले से शादीशुदा था। उसकी बीवी मधुमती एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और आधे से ज़्यादा टाइम वो बाहर ही बिताती है। बस इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और जब मुझे सच्चाई मालूम पड़ी तो मेरा दिल टूट गया। अब तो वो मर चुका है, शायद आपको भी फांसी होगी। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। चलो बताओ, कहाँ है वो वेटर जिसने जहर मिलाया था? कहाँ है? क्या हुआ? वो वेटरेस तो आज कहीं नजर नहीं आ रही। चलो चल के मैनेजर से पूछते हैं। आइए। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग एक वेटरेस को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ काम करती है, मगर आज दिखाई नहीं दे रही है। कोई छुट्टी पे गई है क्या? हाँ सर, एक वेट्रेस है, वो उसका फोन आया था कि वो जरूरी काम पड़ गया उसे। नाम क्या है उसका? रीटा सर। ये रीटा रहती कहाँ? रीटा, तोड़ दो। रीटा, 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 ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगी वो। रीटा, रीटा। सर, कमरे में कोई नहीं है। सर, सर खिड़की भी बंद है सर, तो फिर घर अंदर से लॉक कैसे था? दया, पॉइजन। मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने उस आदमी को मार डाला जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, मगर मैंने खून किया, ये काम गलत था, इसलिए मैंने खुद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हर केस में कुछ ना कुछ अजीब होता है, लेकिन ये केस तो सबका बाप निकला। एक तो पांच लोगों ने कोशिश की एक ही आदमी को ख़त्म करने की, दूसरे कोई बचा ही नहीं जिसे सज़ा दी जा सके। बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी था ये, गेंडे जैसी मोटी खाल थी इसकी, बड़ा बेशरम ये जग्गू टटोरिया। पहले तो उसने सीमा के साथ अफेयर किया, फिर सोचा क्यों ना अपनी बीवी को ही मार डालो, उसे जहर पिला दिया। मगर जब ये जग्गू अपनी बीवी को जहर पिला रहा था, उसी समय उसकी बीवी ने जग्गू के ड्रिंक में जहर मिला दिया। मगर कमाल हो गया सर, दोनों एक दूसरे को जहर पिला रहे थे, मगर उसकी बीवी वो तो मर गई और ये जग्गू बच गया। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इतना बेशरम आदमी था ये जग्गू टटोरिया कि मरा भी नहीं आसानी से। अरे सर, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि इसे पता ही नहीं चला कि इसने जहर खा लिया है, बल्कि इसने अपनी बीवी की लाश उठाई, कबर्ड में बंद करके निकल गई। ये तो कुछ नहीं है सर, उसके बाद वो सीमा के साथ खाना खाने के लिए एक पब में पहुंचा। वहां पर उसने चिकन मंचूरियन खाया, उसमें भी जहर। वहां की एक वेट्रेस ने चिकन में जहर मिलाया था, लेकिन वो हरे किस्मत जग्गू फिर बच गया। और फिर होटल के कमरे में सीमा ने उसे सांप के जहर का इंजेक्शन दिया। सांप के जहर से तो बचना मुश्किल है, लेकिन ये मैंने कहा ना, ये जग्गू टटोरिया है, इसे कुछ नहीं होता। सांप का जहर इसके शरीर के अंदर होने के बावजूद भी ये बच गया। तीन तरह के जहर इसके शरीर के अंदर जा चुके थे, फिर भी ये बंदा चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा। सर, एक जहर आदमी के पेट में हो तो आदमी हमेशा के लिए सो जाता है, इसने तो तीन जहर खाए थे, तीन। उसके बाद उसे राजीव मिला। राजीव को पता चल गया था कि उसकी बीवी सीमा और जग्गू के बीच में अफेयर चल रहा था। उसे गुस्सा आया हुआ था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। सर, राजीव ने जग्गू को पीछे से सर पे मारा। जग्गू गिर पड़ा, मगर गिरते गिरते उसने राजीव को धक्का दे दिया। राजीव जमीन पे गिरा, वो मर गया। किस्मत, दया, किस्मत का धनी था वो। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन खुदा ने यह भी सोचा कि क्यों ना मैं जग्गू को अपने पास बुला लूं। बस जैसे जग्गू को होश आ गया, उसने अपनी घड़ी देखी। माय गॉड, शो का टाइम हो गया है। बस जग्गू थिएटर के तरफ भागा। जैसे वो थिएटर पहुंचा, मोनित ने उसे मार दिया, तब जाके मरा ये जग्गू। सर, इस केस में एक आदमी का खून 5 लोगों ने किया है। मधुमती, सीमा, राजीव, मोनित और वो वेट्रेस। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।